किसान यात्रा निकाल रहे सपा नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा विधायक सहित कई नेता नजरबंद भी किए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालने के ऐलान के बाद ही पूरे प्रदेश में सपा नेताओं को नजरबंद करने के साथ साथ सड़क पर किसान यात्रा निकालने का प्रयास करने वाले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद मुरादाबाद में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था और सुबह से ही सपा विधायक हाजी इकराम और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी को उनके घर में ही नजरबंद कर वहां पहरा लगा दिया गया। उधर दिल्ली रोड स्थित सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए किसान यात्रा निकालने की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। नजरबंद किए गए पूर्व सपा विधायक यूसुफ अंसारी का कहना है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नजरबंद करके एक तरफ से इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है और हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। उधर प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि धारा 144 लगी हुई है और ये लोग बिना अनुमति पद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल धारा 144 उल्लंघन में इनको गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। गेहूँ का रेट क्या हो रहा है, गन्ने का रेट क्या है, गन्ने का पेमेंट पिछले साल का भी नहीं हुआ है। किसान विरोधी सरकार है और नौजवान विरोधी सरकार है, व्यापार योगी विरोधी सरकार है, किसी की सरकार नहीं है। इनने सबको तराई तराई मचा रखा, पूरे उत्तर प्रदेश हो या देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिए, बहुत खराब स्थिति है। तो आज इसी क्रम में हम सब समाजवादी पार्टी के लोग जाकर गांव में अपनी बात रखना चाह रहे थे। इनकी कहीं पोल ना खुल जाए, अपनी जो इनके खिलाफ काम कर रही है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है, इनकी पोल खोलने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करने जा रहे थे। तो इन्होंने इसी के डर से आज समाजवादी पार्टी के घरों पर नज़रबंद कर दिया। सुबह से ही TSC और तमाम अधिकारी SDM हैं और तमाम अधिकारियों ने घर पर नज़रबंद कर रखा है। समाजवादी पार्टी के लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं, पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पुलिस के उत्पीड़न से या प्रशासन से डरने वाले नहीं है, सरकार से डरने वाले नहीं है। हम लोग जाएंगे और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के हक की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपनी बात रखने का काम करेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये अनिश्चितकाल के लिए प्रोग्राम जारी कर दिया है। जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाती है, कानून वापस नहीं लिया जा सकता, जब तक हमारा किसान वहाँ पर बैठा हुआ है, तब तक समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किसानों की बात करेगा और किसानों की लड़ाई। समाजवादी पार्टी चाहते हैं, वो कहता है हमें इसका फायदा नहीं नुकसान है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस किया जाए और सही मानों में जो अन्नदाता है किसान, उनकी मांगे पूरी की जाएं। समाजवादी पार्टी हर तरीके से किसानों के सपोर्ट में है, उनका समर्थन करती है, उनका पूरा समर्थन हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की तरफ से है और हमारा भी। और कब तक हमें नज़रबंद करेंगे, ये हमें थक जाएंगे। हमें फिर भी किसानों के लिए काम करना है, उनके सपोर्ट में काम करना है, ये हमारा आह्वान है। और पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया है कि हम किसानों का भरपूर ताउन करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। आज क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम यही था कि हमें किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालनी थी और उनकी आवाज़ को बुलंद करना था, ताकि केंद्र सरकार जो उन्हें आज 11वां दिन है धरना प्रदर्शन का, उन लोगों का, उनकी मांगों को नहीं मान रही है, वार्ता पे वार्ता हो रही है, तो उसे जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करा जाए। उनकी सपोर्ट के लिए पदयात्रा थी और लोगों को जागरूक करना था कि ये जो सरकार है ये मनमाने तरीके से कानून बना रही है, जिससे हमें और आपको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस चीज़ को लेकर हम आज पदयात्रा, साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, जिसके पास जो सुविधा है उसके हिसाब से हम अपनी यात्रा कर रहे हैं।